सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज के वाले वीडियो में हम बात करने वाले स्नीफर्स की, इनका आखिर काम क्या है और ये 1.20 में क्यों आई है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ये स्पॉन कहां पर होते हैं। तो स्नीफर्स जो होते हैं वो स्नीफर एग को हैच करने के बाद होते हैं, और जो इनके एग्स होते हैं वो मिलते हैं सस्पिशियस सैंड से, और जो की वॉर्म ओशन रूइन में हमें मिलते हैं। एंड या जैसा की आप देख पा रहे हैं कुछ ज्यादा ही बड़ा है, और ये 2.5 ब्लॉक जितना ऊंचा है, और ये खाने पीने के लिए जो खाता है, मतलब अगर हमें इनके ब्रीडिंग करानी हो तो आपको क्या लगता है क्या खाता होगा? ये खाता है टॉर्च फ्लावर की सीड्स, और वैसे इसका बिहेवियर तो काफी अच्छा है। मैंने इसे मार के देखा था और ये बेचारा कुछ कर भी नहीं रहा था, ये भाग रहा था। इसके चलने की स्पीड कुछ ज्यादा ही स्लो है, जब हम इसे मारते हैं तो मतलब तेजी से भागने की कोशिश करता है बट भाग नहीं पाता। और हम बात करते हैं अगर हमने इन्हें मारा तो हमें इनसे क्या मिलेगा। खैर, वैसे ऐसा कुछ काम तो यहाँ पर है नहीं, और इसे हमें कुछ मिलने वाला भी नहीं है। वैसे 1 से लेकर 3 तक की हम एक्सपीरियंस मिल सकते हैं, एक्सपीरियंस पॉइंट, जो कि इकट्ठा हो जाएंगे आपके पास आके। इसका चलने का तरीका कुछ ज़्यादा ही धीरे है, और वैसे ये काफ़ी अच्छे लगेंगे अगर आप उसको अपने घर के बाहर रखोगे तो। और ये खाने पीने के मामले में कुछ ज़्यादा ही तेज होते हैं, और ये अपने आप से ही गड्ढा खोद सकते हैं अगर इन्हें यहाँ पर नीचे ज़मीन के सनफ्लावर सीड्स मिल जाए। और ये अपनी नाक से बिल्कुल सूंघते हुए चलते हैं ज़मीन के नीचे, कई बार तो ये अपनी मुंडी गाड़ कर भी चलते हैं, और ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि ऊंची मुंडी कर करके कुछ ना कुछ बुलाते हैं अपने पास। क्या ये डरावने हैं, क्या ये कुछ खतरनाक तरीके के टोटके जानते हैं। सो आई होप आप सभी को अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी अभी तक स्नीफर के बारे में। तो हम मिलते हैं एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानवर के बारे में बात करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।